हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। कल आपने देखा तबीयत खराब हो गया था अचानक से, तो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेबल है। हल्का हल्का सा अब दर्द हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो एकदम से ना अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज रेडी हो गई हूँ। धनतेरस का ही दिन है, दोपहर का समय है और अभी जा रहे हैं मम्मी के घर कपड़े वपड़े लेके, क्योंकि रहेंगे कुछ दिन, दिवाली तक वहीं रहेंगे, दिवाली वहीं मनाएंगे सबके साथ। तो बस आदि जो है वो कैब बुक कर रहा है, कैब आ जाता है तो फिर चलते हैं। बने रहिएगा आखिर तक, पूरा व्लॉग देखिएगा। आज के व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी कि धनतेरस के लिए क्या शॉपिंग हुई है हम दोनों की इस साल। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस भी थोड़ा सा रहेगा ही, तो आखिर तक बने रहिए। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या खरीदा है हमने इस साल, गोल्ड है कि सिल्वर है कि डायमंड्स है या कुछ और है, तो वो आप लोगों को बताएंगे ब्लॉग के बीचों बीच में। तो आखिर तक ब्लॉग में बने ज़रूर रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए, और वीडियो पे एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कैब आता है तो फिर निकलते हैं। फ्रेंड्स, रास्तों का हाल इतना ख़राब है ना, कैब बुक हो रहा है फिर कैंसिल हो रहा है, यही चक्कर होते होते लास्ट में नहीं हो पाया कैब, तो हमने डिसाइड किया ऑटो लेके ही चलेंगे किसी तरह से। तो बस अब मोड़ पे आ गई हूँ और देखिए एक फंक्शन होने वाला है, आज ओपनिंग है हमारे यहाँ का जो पंडाल है, ये जो सामने आप देख रहे हैं काली माता का। बंद हो जाएगा, फंक्शन होने वाला है काली पूजा का। फ्रेंड्स, आदि मानिकल्ला तक जाएगा, हम मानिकल्ला से थोड़ा पहले ही उतर गए हैं क्योंकि यहाँ से हमको कुमार टूटी जाना है, तो गोरीबाड़ी जाने वाला ऑटो पकड़ेंगे। ट्रैफिक की आवाज़ में कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। तो आदि जा रहा है मानिकल्ला, बैग सब लेके ऑटो में बैठा ही हुआ है और हम अब दूसरा ऑटो लेंगे, इसीलिए यहाँ आ गए। एक और ऑटो लेके हम जाएंगे गोरीबाड़ी, फिर गोरीबाड़ी से जाएंगे कुमार टोली की तरफ, कुमार टोली का ब्लॉग शूट करने। और कुमार टोली का जो ब्लॉग है वो तो अलग से आएगा। गोरीबाड़ी से फिर एक ऑटो लेंगे, तब कहीं कुमार टोली के पास पहुंचेंगे, फिर वहां से पैदल जाना है। तो खाली ऑटो भी चला ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कुमार टोली का व्लॉग बना लेती हूँ। कुमार टोली का जो व्लॉग है वो अलग से बनाऊंगी, जो आप लोग कल देखेंगे तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। कुमार टोली का व्लॉग पूरा बना लेंगे, इसके बाद फिर ये व्लॉग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर इसके बाद व्लॉग बनाने के बाद माँ के घर जाएँगे और इसके बाद आप लोगों को दिखाएँगे कि क्या कुछ हम लोगों ने धनतेरस के लिए ख़रीदा है। तो रास्ते का हाल तो आप देख ही रहे, इतना ट्रैफिक है ना कि क्या बताऊं, हर जगह ही ट्रैफिक जैम। और देख रहे किस स्पीड में ऑटो चल रहा है, धीरे 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 धीरे, मतलब एक घंटे का काम तो दो घंटे तीन घंटे लग रहा है, ऐसा तो हाल है रास्तों का पूरा। फ्रेंड्स, कुमार टोली का ब्लॉग बना लिए, एकदम हालत ख़राब, बाहर बहुत भीड़ है मार्केट में, पाँव का दर्द हो रहा है वो अलग, और पाँव में रोज है ना वॉलिनी का स्प्रे लगा के सोते थे, थोड़ा सा आराम मिलता था कुछ देर, वो भी घर पे भूल गए, लाए नहीं। अब नया खरीदना होगा, या तो अब जा रहे वापस मम्मी घर। तो चलिए मम्मी घर पहुँचे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो सामान हमारा और आदि का है धनतेरस के लिए इस साल, वो सब दिखाएंगे, तब जाके ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ से निकली हूँ और कुमार टोली का जो ब्लॉग है वो कल, यानी कि छोटी दिवाली और भूत चतुर्दशी दोनों है, तो उस दिन आएगा। शॉर्ट्स तो आज रात से ही डालने लग जाऊंगी, भूत वाला सब।
अच्छे व्यूज आते हैं इसीलिए, और इसी वजह से आ भी गई तबीयत खराब होने के बाद भी, कि कल थोड़ा आराम कर सकूंगी। अभी जितना आए ना और हालत खराब हो गया है पैर का, चेस्ट पेन, फिर भी थोड़ा सा आराम है। लगता है ठंड लग गया है इसलिए चेस्ट पेन इतना हुआ है। बीच में बारिश वारिश हुआ ना, वेदर चेंज हुआ था, ठंडा पानी से ही नहाते हैं वैसे ही मुझे सर्दी जल्दी लग जाती है, उसीलिए लगता है हो गया होगा। चलिए घर पहुँचे, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स घर पहुँचे, पता है बहुत मुश्किल से घर पहुँचे हैं। मतलब कुमार टोली से जो ऑटो लेके आना था ना, ऑटो ही नहीं चल रहा है वहाँ। मतलब काली माँ की प्रतिमा सब वहाँ से जा रही है ना, छोटी प्रतिमा बड़ी प्रतिमा हर तरह की, तो शाम होने के बाद भीड़ हो गया है पूरा वो एरिया, ऑटो बंद कर दिया है। और जो बुरा हाल मेरा हुआ है, ऐसे ही पाँव में दर्द है, बहुत दूर तक पैदल आना पड़ा है धीरे 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 धीरे, तब जाके मतलब जब एक प्रॉपर एरिया में आ गए हैं दूसरा एरिया में, तब जाके हमको ऑटो मिला है। मेरे पाँव का हालत एकदम ख़राब, ऊपर से मम्मी लोग सीढ़ी में चढ़ के आए ना सेकंड फ्लोर, पूरा हालत ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा एकदम, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। और यहाँ ऑटो से उतरे तो कुछ तो मतलब सोचे कि चलो ये कुछ नहीं खरीदे हैं धनतेरस में, तो दही खरीद लिए, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आए क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो सोचा आके पियेंगे। और धनतेरस के लिए इस बार गोल्ड नहीं खरीदे हैं कुछ भी, चांदी का भी कुछ नहीं खरीदे हैं, डायमंड्स भी नहीं। क्या खरीदे हैं वो रुकिए अब दिखाते हैं आप लोगों को, बस थोड़ा कपड़ा वपड़ा बदल लें, चेंज कर लें, क्योंकि पैदल पैदल इतना दूर आए ना, हालत ख़राब हो गया है मेरा, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आती हूँ चेंज कर लूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का धनतेरस का इस बार का गिफ्ट कह लीजिए, जो एक मैंने ये मैंने आदि को दिया है और ये मेरे खुद के लिए है। और ये डब्बा अभी दोनों ही खाली है क्योंकि दोनों फ़ोन यूज़ करना शुरू भी हो गया है। और इसका जो फ़ोन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आदि के पास है। और ये जो फ़ोन आप देख रही है बॉक्स, इसी से मैं अभी शूट कर रही हूँ आप लोगों को। तो इसका फ़ोन दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए क्लिप आदि के फ़ोन से भी शूट करूँगी। तो पहले ये जो बॉक्स है इसका फ़ोन आपको आदि का दिखा देते हैं। ये देखिए ऑलरेडी यूज़ कर रहा है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और वाइट क्योंकि मेरा भी फेवरेट है, आदि का भी फेवरेट है, तो आदि के फ़ोन में ये देखिए किस तरह से ग्लेज है, बहुत अच्छा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और जिस फ़ोन से शूट हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया फ़ोन है, तो उसमें क्लैरिटी तो अच्छी आती है, तो शायद अच्छे से आप लोग देख भी पा रहे होंगे इसमें जो एक अच्छा सा शाइन है मार्बल टाइप का। तो ये फ़ोन है आदि का जो ऑलरेडी यूज़ करना शुरू हो चुका है, और मैंने भी अपना ये जो फ़ोन है ये यूज़ करना शुरू कर दिया है। खोल के क्या ही दिखाऊंगी, खोलने की ज़रूरत है नहीं। तो ये फ़ोन जो है इसमें चार्जर वगैरह नहीं मिला था मुझे, ये देखिए गैलेक्सी S23 Ultra, तो चार्जर वगैरह सब अलग से ख़रीदना पड़ा था, तो वो सब भी ख़रीद लिए हैं ऑल टोटल। मतलब फ़ोन जो है यूज़ होना शुरू हो गया, शूट हो रहा है, तो चलिए अब इसमें जो फ़ोन है उससे ही शूट हो रहा है ये। तो ऐसा करते हैं कि ये फ़ोन दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा क्लिप आदि के फ़ोन से शूट करूँगी। तो ये देखिए मैं एक पुराने फ़ोन से शूट कर रही हूँ, ये आदि का फ़ोन, ये मेरा फ़ोन, और कवर वगैरह सब मैं लगा दी हूँ क्योंकि महंगा फ़ोन है ना, तो कवर नहीं रहेगा, कब गिरा विरा दूंगी, पहली बार ऐसा महंगा फ़ोन खरीदी हूँ लाइफ में। और ये आदि वाला फ़ोन, तो ये दोनों फ़ोन आप देख रहे हैं, ये दोनों फ़ोन जो है ये है हम लोगों का इस बार का दिवाली गिफ्ट कहिए या धनतेरस की शॉपिंग कहिए। तो कैसा लगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और दोनों ने ही वाइट लिया है क्योंकि वाइट हम दोनों का ही फेवरेट है, लेकिन देखिए बैकग्राउंड मुझे ना आदि का ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा शाइन हो रहा है इसमें। और ये तो ऐसे थोड़ा ऑफ वाइट टाइप का है और बहुत भारी इसका वेट है, लेकिन फ़ोन का जो पिक्चर क्वालिटी वीडियो ये सब तो कुछ कहने की बात नहीं, बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक, कैसा लगा है बताइएगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।